गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी 10th क्लास के लिए हिंदी क्षितिज में चैप्टर 1 पद कवि सूरदास को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सूरदास जी ऐसे कवि हैं जो कृष्ण भक्ति चाखा के कवि हैं। उनका जन्म 1477 ईस्वी मथुरा के निकट दुर्गता अर्थात प्रेम का क्षेत्र माना जाता है, और कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सी में हुआ था। कवि श्री आचार्य वल्लभा जी के शिष्य थे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में पार्श्वी विमान। सूरदास जी से अपनी पदों में हिंदी ब्रजभाषा का सरल और सहज रूप में वर्णन किया, सहज रूप से प्रयोग किया है। सूरदास जी के जो रचनाएं हैं वो 3 रचनाएं हैं, जिसमें है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सागर, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित सूर सागर है। उसमें लगभग 25,000 पद बताए जाते हैं, लेकिन अभी तक 70,000 पद भी प्राप्त हुए हैं। ये सूरदास जी के उन पदों में से 4 पद हमारे पाठ पुस्तक में दिए गए हैं। उसमें से पहला पद है ऊधो तुम वो अति बढ़ जाते। सूरदास जी ने अपने पदों में अलंकार और रसों का महत्वपूर्ण चित्रण किया है। तो यहाँ ऊधो तुम हो अति बढ़ो, गोपियां व्यंग करती हैं। जिस सूरदास जी ने इसमें बताया है पद में कि जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गोकुल पहुंचे, तो गोपियों की समझ में उद्धव जी का ज्ञान उपदेश नहीं आया, और वो उद्धव से कहने लगी, ऊधो तुम हो अति बड़ुआ, हे उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो, बड़भाग में भाग्यशाली। अपरस वह स्नेह तगाते नाहिन मन अनुराग, अपरस में अछूता, स्नेह प्रेम, तगा में सहागा, नाहिन में नहीं, मन में स्मन और अनुराग में प्रेम। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिं मन अनुराग, यानी तुम्हारा मन प्रेम से अछूता ही है, तुम्हारा मन प्रेम को नहीं छुपा रहा है। पुरेश पाक रहत जग भीतर तारस देह न त्याग, पुरेश पाक अर्थात कमल का पत्ता, जल के भीतर यानी जल के भीतर रहता है तारस, उसके ऊपर देह न त्यागी, कोई जल की बूंद का प्रभाव नहीं। कहने का तात्पर्य है कि गोपियां कह रही हैं जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन फिर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद का भी कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। ज्यो जग माह तेल की गागरे बूंद न ताको डाल, यहाँ मिट्टी का तेल का घड़ा होता है जिसमें तेल भरकर रखा जाता है, और उस तेल की गागर से समानता करते हुए गोपियां कहती हैं ज्यो जन माह तेल की गागर बूंद न ताको डाल, जिस प्रकार चिकने घड़े पर यानी चिकनाई के पकड़े हुए चिकने घड़े पर तेल की एक भी बूंद नहीं होती। प्रीत नदी में पांव रोयो दृष्टि में भूत पर, प्रीत नदी प्रेम की नदी, पांव रोयो पैर नहीं रोया, दृष्टि में भूत पर आ गई, उसकी दृष्टि उसके रूप पर नहीं होती, अर्थात उसने प्रीत नदी प्रेम की नदी में कोई पैर नहीं धोया, कोई उसने डुबकी नहीं लगाई। सूरदास अगला हो गुर चाटी जपा, गुर बीस गुर चाटी बीस चीटी पागी बीस लग, वो भी अब कहती है कि हम उन चींटियों की तरह हैं जो गुर पर चिपक कर मर सकते।
वहां से हट नहीं सकते, इसी प्रकार हमारा प्रेम। तो इसमें उद्धव को व्यक्त करते हुए उद्धव को समझा कि उद्धव पर व्यक्त किया गया है, उसने बताया गया है उद्धव तुम बहुत बड़े, उद्धव भी दूसरे को क्या कहते हैं कि उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे ऊपर प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं, तुम हमेशा कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन तुम उनके प्रेम को नहीं समझते, तुम्हारा प्रेम तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में नहीं लगा, तुम केवल ज्ञान के उपदेश देते हो। जिस प्रकार तेल की लगी हुई अलाव का कोई भी पानी की बूंद नहीं दिखती और कमल में रहते कमल के पत्ते को जल में रहते हुए भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं दिखती, उसी प्रकार तुम हो कि तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। यहाँ ना ही मन अनुवाद पुरैन पाप या अभ्यास अलंकार है, जो जल मान के खिलाफ इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, पीत नदी में पांव यहाँ रूपक अलंकार है, अर्थात कवि ने अपने पदों में अलंकार का भी प्रयोग किया। हाँ स्टूडेंट अगला पद है, दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रहे कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कहिए अवधि आधार आस आवंती तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेश सुन सुने विरहिन विरह दही चाहत भुक्ति गुहार जितहि ते उतते धार बही सूरदास अब धीर धरह क्यों मर्यादा न दह। इसके वर्णन में बताएंगे आपको मन की मन ही मान रही अर्थात मन की मन नहीं रहेगी, कहिए जाए कौन पे उधो कोई गम से जाके कहो ना ही मत कही अवधि आधार आस आवंती आस की उम्मीद इंचन बना हो आवंती कृष्ण के आने की विधा मीन्स विधा कष्ट पीड़ा सही सहन करना जो योग के संदेश विरही मीन्स कृष्ण के विरह में होगी चाहत होती गुहार होते गुहार मीन्स जिससे इच्छा थी जिधर से कुछ सांत्वना मिलेगी उतने धार उधर से ही ऐसा संदेश आता है। अब धीर भरण क्यों धीर मीन्स धैर्य धारण करना मर्यादा मीन्स मर्यादा न नहीं मीन्स न अब इसका भावार्थ बताएंगे। आगे गोपियां कहती हैं उद्धव से कि मन की मन ही मान ले ये उद्धव हमारे मन की बातें थी वो हमारे मन में ही रहे, हम कृष्ण से क्या क्या कहना चाहते थे क्या हमें बताना चाहते थे वो सब कुछ हमारे मन में ही रहे, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत करे उद्धव अब हम अपने मन की बातें किससे करें कैसे करें अवधि आधार आस आवत कृष्ण के आने की उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और हमारे कष्टों को दूर करेंगे हमें सुनेंगे तन्मन विद्वास उनके आने के विचार में हमें बहुत दिनों से उनका विचार था आने वाले थे लेकिन हम उनके विरह में पागल हैं फिर भी कृष्ण नहीं आए। अब इन्हें योग संदेश सोचो और तुम जो योग संदेश हमें दे रहे हो की बात हमें बता रहे हो नहीं विरह उससे हमारी ग्रह वेदना है वो और अधिक बढ़ गई हम और परेशान हो गए और दुखी हो गए चाहत रुकी गुहार जिते हमने जिधर से देखा था कि कृष्ण मथुरा से आएंगे हमने देखा था हम समझ रहे थे कि कृष्ण आएंगे उतते धार कर उधर से तो हमें और ज्यादा कष्ट मिला और ज्यादा उन्होंने हमें दुख पहुंचाया सूरदास अब धीर धरे सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें मर्यादा न लगे कृष्ण ने कोई भी मर्यादा का पालन नहीं किया कृष्ण ने कोई भी मर्यादा नहीं रखी हम इतना दिनों से इंतजार कर रहे थे कृष्ण के आने का लेकिन कृष्ण नहीं आए इसलिए उन्होंने कोई मर्यादा न रखी अब वो कैसे धीर धारण इससे अगला तीसरा पद है तीसरे पद में वही गोपियों का व्यंग है उद्धव से व्यंग कह रही है हमारो हरिहारिण की लकड़ी
मंत्रम वचन नंद नंदन हो यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जगरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी। सुतो प्यार हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सुन नहीं ले सो को जिनके मन चले। आज के वर्ण में देखिए हरे हारे हरे नाम का एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को हमेशा दबाए रहता है। लकड़ी की लकड़ी मंत्र वचन मन कर्म और वचन नंदनंदन अर्थात कृष्ण। जड़ मीस कसकर पकड़ना पकड़ी मीस पकड़ना। जागत मीस जागने पर सोना सोवत सोने पर। स्वप्न दिवस में स्वप्न में भी और दिन में भी रात कान कान चकली काना खाना देती हुई। सुनत योग सुनत मीस सुनते हुए। योग मीस योग लागत है इस प्रकार होता है जैसे कड़वी कपड़ी। सुतो व्याध व्याध मीस दुख पीड़ा कष्ट। हमको ले आए देखी सुनी न करी। न देखी है न सुनी है और न कभी की है। यह तो सुनते नहीं ले सकते। सोको मीस उन्हीं को दे दो उन्हीं को अपना ज्ञान दो जिनके मन चकरी। चकरी मीस चंचल जिनके मन चंचल। अब इसका भावार्थ देखिए। अभी गोपियां कहती हैं गोपियां ने अपनी तुलना हर पक्षी से की है जिस जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को दबाए देता है चाहे वो उड़ता है चाहे बैठता है लेकिन उसके पंजों में हमेशा अपनी दबी रहती है। वो कह रही है हमारा हमारे हारे की लकड़ी हमारा जो मन है उस हारे पक्षी के पैरों में दबी हुई लकड़ी के समान है। जो मन जिस प्रकार मन क्रम वचन नंद नंद को यह गढ़ कर हमारा मन तो पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित है। मन कर्म और वचन से हम पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हमारे मन को श्री कृष्ण ने कसकर पकड़। जागत सोवत स्वप्न दिवस जागे जागते सोते उठते बैठते रात में दिन में हम कृष्ण को ही याद करते काना काना नहीं होते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे तुम्हारी ही योग की बातें सुनकर हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हमें कड़वी कड़वी कपड़ी खा ली जिस कारण हमारा मुंह कड़वा हो गया। सुतो व्याध हमको ले आए तुम तो हमको ऐसे व्याध ले आए हो ऐसा रोग ले आए हो देखी सुनी न हो जिसको हमने न कभी देखा है न सुना है और न ही किया है। यह तो सुन कि नहीं ले सो। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव ये अपने योग संदेश उन लोगों को सुनाओ उन लोगों को बताओ जिनके मन चंचल जिनके मन चंचल है कृष्ण प्रेम में नहीं है जो स्थिर मन से कृष्ण को याद नहीं करते कृष्ण को प्रेम नहीं करते उन्हीं लोगों को अपने योग की बातें सुनाओ जाकर जिनके मन चंचल है जिनके मन स्थिर नहीं है। पांच मिनट अब ये चौथा पद है दासी का जिसमें गोपियों ने श्री कृष्ण को छल करते हुए बताया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने उनके साथ छल किया है कपट किया है और वे कृष्ण को एक बहुत ही बुरा राजा बताना चाहती हैं। कह रही हैं हरि है राज ही पड़ जाए समझी बात कहत मधु कर गई समाचार सब पाए। एक अति चतुर भूते पहले ही अब गुरुग्रंथ पढ़ाए बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊंधो भले लोग आगे के परहित दौलत उठाए अब अपने मन फेर पाए हैं जगत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करे आप जे और अनीत चुराए। राज धर्म तो यह सो जो प्रजान जाए सताए। हरि कृष्ण के लिए संबोधन है यहाँ राजी पर्याय स्पर्श कर आए हैं। समझी बात कह मधुवर मधुवर उद्धव के लिए कहा गया है। समाचार सब पाए सब समाचार में सुन दिए हैं। एक अति चतुर एक मीन्स पहले तो पहले से ही चतुर बहुत बुद्धिमान थे बहुत चालाक थे पहले से ही। अब तू ग्रंथ पढ़ाए गुरु से पढ़कर आए गुरु से ग्रंथ पढ़कर आए। बड़ी बुद्धि जानी जो
यानी मीन्स हम समझ गए हैं कि वो बहुत चतुर हो गए, बहुत समझदार हो गए। योग संदेश पठाई, योग संदेश, इसलिए हमें योग का संदेश देते हैं। उन्हो भले लोग आगे आगे भी इससे पहले के पुराने समय के लोग परहित गोलक भाई परोपकारी होते थे, जो परोपकार करते हैं। अब अपने मन फेर पाए हैं, मन मीन्स अपना मन फेर पाए हैं। कैसे ले, कहाँ से लेके आए हैं? चला थे जो भूते चुराए, भूते चुराए मीन्स जिसे चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनित कर, ये अत्याचार करते हैं, अनित करते हैं, आप और अनित चुराए, चाहे अत्याचार करते हैं तो दूसरों से अत्याचार करवाते हैं। राजधन मीन्स राजा का घर, तो यह है वो भी अगर ये राजा का धर्म है, प्रजा का जान सता, जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाता, प्रजा को कोई कष्ट नहीं दिया जाता। अब इसका बाबा देखिए, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हरि ने राजनीति पढ़ लिया, कि हे उद्धव कृष्ण ने अब तो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधु कर, हे उद्धव हमारी बात समझो, हम क्या कह रहे हैं तुमसे उसे समझो। वो समझा तो कहती हैं समाचार सब पाए, हमने सब समाचार सुन लिया, सब समझ गए हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। एक अति चतुर होते पहले, वो पहले से ही बहुत चालाक थे, बहुत चंचल थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो उन्होंने गुरु से पाठ भी पढ़ लिया है, गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनमें बहुत बुद्धि आ गई, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो गई है। जो जो संदेश, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे द्वारा हमें योग का संदेश दिया। उद्धव भले लोग आगे आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव भले लोग, सज्जन व्यक्ति वही होते थे, पहले लोग ऐसे सज्जन होते थे जो परहित गोलक भाई, जो परोपकार करते थे, दूसरों को भला चाहते थे। अब अपने मन फेर पाए, हम क्या करें, अब हम क्या करें कि हम अपने मन फेर पाए, हम अपना मन को कहाँ से लाएं, वो मन अपना कहाँ से लेकर आए। चला तो जो भूते चुरा, जिससे जाते समय कृष्ण अपने साथ चुरा कर ले गए। ते क्यों अनित करें आप, वे स्वयं तो हमारे ऊपर अत्याचार करते ही हैं, जे और अनित चुराए और भी अधिक अत्याचार करने के लिए उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेज दिया है। जो तुम व्यास का संदेश दे रहे हो, योग के संदेश दे रहे हो, इसलिए वो इसके माध्यम से, संदेशों के माध्यम से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि हे सुधव, राजधर्म राजा का धर्म तो यह है कि जो प्रजा को ना सताए, प्रजा के ऊपर अत्याचार ना करे, प्रजा को कोई कष्ट ना दे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, कृष्ण पहले ही हमें पति सताते थे, लेकिन अब उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, वो और चतुर हो गए हैं, इसलिए हमें योग का संदेश देकर और भी ज़्यादा सताने। अर्थात अब हम अपना मन कहाँ से लेके आए, जिसे कृष्ण चलते समय अपने साथ चुरा कर ले। बच्चों इस प्रकार आपका ये चैप्टर का जो पद है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए, शायद आपको समझ आ गया होगा। और अब आप अपनी बुक्स निकालिए, बुक्स ओपन करिए, इसमें पदों को पढ़िए, इसके वर्ड मीनिंग देखिए, और वर्ड मीनिंग के साथ साथ जो आपको समझ ना आए वो मुझसे पूछेगा। और इसके बाद मैं आपको जो मैंने पद पढ़ाए हैं उसमें से मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी, क्वेश्चन दूंगी, फिर उनके आंसर कराऊंगी। पदों से जैसे पैसेज में पद्यांश में कराते हैं, और उन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिए, उन्हें लिखिए और फिर उन्हें तैयार। इसके बाद इसका अगले का जो वर्क है वो मैं आपको अगले वीडियो में, थैंक यू।